झारखंड के रांची लोकसभा सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी यशस्विनी सहाय अपने पूरे परिवार समेत महिला समिति बूथ पर अपने मत का प्रयोग करने पहुंची। उनके साथ उनके पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री पूर्व सांसद सुबोध कांत सहाय पहली बार मतदाता के रूप में मतदान केंद्र पहुंचे और अपने मत का प्रयोग किया। वहीं सुबोध कांत सहाय की पत्नी रेखा सहाय भी यशस्विनी के साथ मौजूद थी। रांची लोकसभा सीट पर भी लोगों का जमावड़ा मतदान केंद्रों में देखने को मिल रहा है। वहीं रांची के सभी प्रत्याशी भी अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतदान करने के बाद यशस्विनी सहाय काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में लहर चल रही है और हमें उम्मीद है कि रांची की सीट सहित पूरे देश में इंडिया गठबंधन बेहतर प्रदर्शन करेगा। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने कहा कि इस लोकतंत्र के महापर्व में हर किसी को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। इस चुनाव में झारखंडी जनता काफी खुले दिमाग से वोट कर रही है। मतदान देना बहुत जरूरी है लोकतंत्र और प्रजातंत्र की मजबूती के लिए, तो बिल्कुल अपना कर्तव्य निभाएं और बिल्कुल मतदान दें, यही कहेंगे। और बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग निकल रहे हैं, मतदान दे रहे हैं, खुशी है। लगातार आप फीडबैक कैसा मिला? फर्ज निभा लिया है। पोलिंग बूथ पे कैसी व्यवस्था जी? बिल्कुल बिल्कुल, अभी हमने अपना मतदान दिया है, उसके बाद हम पोलिंग बूथ पर ही घूमने वाले हैं, जाकर देखने वाले हैं। जितना समझ में आया है काफी मैनेजमेंट किया गया है, महिलाओं के लिए पुरुषों के लिए अलग अलग लाइन लगाया गया है, तो जितना जल्दी हो सके बस यही है, सबको अपना वोट देना है। इधर इधर सामने इधर ये ससुर जी झारखंड में भी बचा हुआ है, आखिरी फेज में भी है। नहीं, ये मैं समझ रहा हूँ कि इस चुनाव में बड़े खुले दिमाग से और बहुत डिटर्मिनेशन से झारखंड के झारखंडी जनता वोट कर रही है। झारखंडी जनता जो राज्य के हित के लिए अपने बड़ी लंबी कुर्बानी दी थी, वो वोट कर रही है और उनको ये समझ में आ गया है कि 10 साल का जुमला का नेता जो है अब देश के लिए खतरा हो गया है।